संस्था विच किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ते गुरु साहबान ते गुरु घर की सेवा विच कुताही करन वाले किसी भी व्यक्ति खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल सिंह क्लर्क इन्हों तुरंत सर्विस तो डिसमिस किया जाता है। सरदार कमरजीत सिंह जी सहायक सुपरवाइजर जो पहला सेवा मुक्त हो चुका है इन्हों के फंड रिलीज करन तो तुरंत रोक लगाई जाती है। रिकॉर्ड में हेराफेरी खुरद बुरद धोखाधड़ी का फौजदारी परचा दर्ज करवाया जाएगा। दलवीर सिंह हेल्पर इन्हों तुरंत सर्विस तो डिसमिस किया जाता है। इन्हों तिना समेत फौजदारी का परचा दर्ज करवाया जाएगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिक कमेटी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपों संबंधी श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों डॉक्टर ईश्वर सिंह एडवोकेट की अगुवाई में बनाए गए जांच कमिशन की रिपोर्ट उत्ते गंभीरता नाल विचार मगरों रिपोर्ट च दोषी पाए गए श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों जांच कमिशन की रिपोर्ट का भेजा गया सीलबंद लिफाफा भाई लौंगोवाल ने अंतरिक कमेटी के सामने खोलिया। भाई लौंगोवाल ने जांच कमिशन वालों पेश की गई रिपोर्ट उपर की कार्रवाई के वेरवे जारी किए। लौंगोवाल ने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार उत्ते सेवा मुक्त हो चुके सहायक सुपरवाइजर कंवरजीत सिंह के फंड रिलीज करने उत्ते रोक लगा दी गई है। इस दे नाल ही श्रोमणी कमेटी वालों क्लर्क बाज सिंह मीत सकत्र गुरबचन सिंह हेल्पर दलवीर सिंह नूं बर्खास्त किया गया अते इन्हां खिलाफ फौजदारी ते धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जाएगा। आपो अपनी सेवा पड़चोल करन ते फर्जां ते अधिकारां प्रति चेतन होण वास्ते झंझोड़िया है। संस्था विच किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ते गुरु साहबान ते गुरु घर की सेवा विच कुताही करन वाले किसी भी व्यक्ति खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में सर्वसम्मति नाल जांच रिपोर्ट अनुसार हेठ लिखे फैसले जिहड़े ने उह लए गए ने। सरदार कमरजीत सिंह जी CGL सहायक सुपरवाइजर जो पहला सेवा मुक्त हो चुका है इन्हों दे फंड रिलीज करन तो तुरंत रोक लगाई जाती है तां जो बनती रिकावी की जा सके। रिकॉर्ड विच हेराफेरी खुरद बुरद धोखाधड़ी का फौजदारी परचा दर्ज करवाया जाएगा। बाज सिंह क्लर्क इन्हों तुरंत सर्विस तो डिसमिस किया जाता है। इस दे खिलाफ सरदार कमलजीत सिंह दे नाल फौजदारी का परचा दर्ज करवाया जाएगा। सरदार गुरबचन सिंह मीत सकत्र इन्हों तुरंत सर्विस तो डिसमिस किया जाता है अते प्रोग दोनों समेत फौजदारी का परचा दर्ज करवाया जाएगा। दलवीर सिंह हेल्पर इन्हों तुरंत सर्विस तो डिसमिस किया जाता है। इन्हों तिना समेत फौजदारी का परचा दर्ज करवाया जाएगा। इस तो इलावा श्रोमणी कमेटी वालों कुलवंत सिंह अते जसप्रीत सिंह जल्द साज दा जल्दां दा ठेका रद्द किया गया अते इन्हां खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की गल कही गई है। इस दे नाल ही CS तेंद्र सिंह कोहली अते SS कोहली दीआं सेवावां खत्म कर दित्तीआं गईआं ने ते होर कई अधिकारियों खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की गल आखी जा रही है। कुलवंत सिंह जिल्द साज सरदार जसप्रीत सिंह जिल्द साज इन्हां दा जिल्दां दा ठेका तुरंत रद्द किया जाता है। सतेंद्र सिंह कोहली चार्टर्ड अकाउंट SS कोहली एंड एसोसिएटेड इन्हां दीआं सेवावां तुरंत खत्म कीतीआं जांदीआं हन अते जांच कमिशन वालों इस खिलाफ दित्ती रिपोर्ट अनुसार इस पासों 75% रिकवरी करन लई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुझार सिंह सहायक अकाउंटेंट इन्हां नूं तुरंत सर्विस तों डिसमिस किया जाता है अते कानूनी फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। सरदार अमरजीत सिंह सेवादार अंगीठा साहब गोइंदवाल साहब इन्हां दीआं सेवावां तुरंत खत्म कीतीआं जांदीआं हन। सरदार परमजीत सिंह जी इंचार्ज इन्हां नूं तुरंत सस्पेंड किया जाता है ते गलेरी विभागी कार्रवाई की जाएगी। एक गुरमुख सिंह सुपरवाइजर इन्हां नूं तुरंत सस्पेंड किया जाता है अते अगलेरी विभागी कार्रवाई की जाएगी। अगली कानूनी कार्रवाई करन दे लई सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जनरल सकत्तर साहब की अगवाई विच एक सब कमेटी बनाई जाएगी जो सारे कानूनी पक्षां ते दूजे पक्षां नूं लैके जिहड़ा इह देखणगे ते
ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।